हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ईशब आपका स्वागत करता हूं मैं चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जून 2020 करंट अफेयर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसा क्वेश्चंस जो आपको रिलेवेंट रहेंगे पूरे एसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जून के 2020 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप न्यू आए हुए चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ओके, सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स इन जून, तो हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। तो पहला क्या है हमारा, जून 1st मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, जून 3rd को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, आफ्टर दैट जून 4th इज इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5th में मनाया जाता है हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जून के 3rd संडे को मनाया जाता है फादर्स डे जो अभी आपने मनाया ही था। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है जून 7th को, वर्ल्ड ओशन डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जून 8th मनाया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे, जून 12th को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ओके, एल्बिनिज्म, व्हाट इज एल्बिनिज्म, तो एल्बिनिज्म जो होता है वो आपको एक तरह का डिजीज़ है जिसमें आपका स्किन जो होता है, स्किन का कलर जो होता है वो फेड होने लगता है, धीरे धीरे करके रंग फीका पड़ने लगता है उस कलर का। तो ये एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे आप मनाया जाता है जून 13th को, ब्लड डोनर डे जून 14th, एंड जून 5th मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे। ओके, आफ्टर दैट वर्ल्ड रिफ्यूज डे जून 20, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि इस बार 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया गया है इस साल। ओके, आफ्टर दैट वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है इसमें, और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है जून 21 को, एंड जून 23 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जून 23 यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे एंड इंटरनेशनल ओलंपिक डे, दिस टू डेट्स आर सेलिब्रेटेड ऑन जून 23, एंड जून 26 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अच्छे से आप इसको देखने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर चुका है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और पीडीएफ को चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको जितने मेरे वीडियोस हैं उसको आप देख पाइएगा, और साथ साथ जो मेरे पुराने वीडियोस मेरे आए हुए हैं उसका प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप जाके उसे जरूर चेकआउट करें। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास एक लिस्ट है क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आप उसे जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 वाज होस्टेड बाय विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, तो हमारा वर्चुअल ग्लोबल जो वैक्सीन समिट हुआ है 2020 का वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेल्ड किया गया है, तो यूएसए, यूएई, यूके या ब्राज़ील, तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, तो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया अच्छे तरीके से, आप जरूर चेकआउट करिएगा इसको अच्छे तरीके से जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तब आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा इसको। ओके, तो मैं लेकिन फिर ही बता दूं आपको कि यूएस के प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने ये वर्चुअल मीटिंग हेल्ड की थी, और ये ग्लोबल वैक्सीन समिट के द्वारा मनाया गया, और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये गावी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, नो नाउ यू विल टेल मी अबाउट गावी, इफ यू नो एनीथिंग देन यू कैन टेल मी अबाउट गावी इन द कमेंट सेक्शन। तो गावी, जैसे मैं बता दूं आपको, गावी जो है वो बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक एसोसिएशन है। ओके, गावी जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यू नो व्हाट, हु इज़ बिल गेट्स। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आबू धाबी बेस्ड कंपनी इज टू बाय 1.8% 5 स्टेक ऑफ जियो प्लेटफॉर्म, जियो प्लेटफॉर्म का जो काफ़ी आप जानते हो जून में जो काफ़ी स्टेक जो हो गया वो बिक गया है, अलग अलग कंपनीज को दिया गया है जियो का। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री को लगभग 9,093 करोड़ का ये आपको प्रोजेक्ट जो है अबू धाबी बेस्ड एक कंपनी को दिया गया है, तो वो कंपनी का नाम आपको आना है, वो कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर ए मुबादला। ओके, मुबादला इज़ अ कंपनी जिसमें आपको ये किया गया है, तो आप इससे यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड चाइना हेल्ड हाई लेवल टॉक्स ऑन 6 जून एमिड द बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन द मिलिट्रीज ऑफ टू कंट्रीज नियर ईस्टर्न लद्दाख। अब आपको ये पता होगा कि 6 जून को इंडिया और चाइना के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, टॉक्स हुई थी हमारे आर्मी स्टाफ के द्वारा। ओके, और उनके आर्मी स्टाफ के द्वारा, लेकिन फिर बाद जाके उन्होंने 15 तारीख को हमारे पे हमला कर दिया था गलवान वैली पे, जहाँ पे हमारे 20 बैटल कैजुअलिटीज़ हुए थे, 20 या और उसे हम लोग अब बैटल कैजुअलिटीज़ को आप जान सकते हो, शहीद हुए थे, शहीद एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग बोलना चाहिए बैटल कैजुअलिटीज़ जो होता है वो अभी हुआ था आपको 15 तारीख को। तो उसके बाद से आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, और साथ ही साथ
आपको ये रिलेशनशिप पहले के मुताबिक जो डोकलाम विवाद हुआ था उसके मुताबिक भी आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और अभी इंडिया ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है जो कि मिशन, जिसमें 59 ऐप्स को, चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो ये तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया इसके बारे में। तो आप मुझे ये बताइए कि इंडियन डेलीगेशन किसने किया था, किसने लीड किया था इसे? तो जनरल शरद चंद, जनरल देवराज अनबू, जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी, यजेंद्र हरिंदर सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट वाज लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चेकआउट कर लीजिएगा इसे। ओके, और ये एक मीटिंग हुआ था आपको LAC में जो कि आपको चाइनीज साइड से हुआ था, चाइनीज साइड से हैंड किया था और उसे टिबेट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट पे। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये पोर्टल, जो आपको ऐप्स हैं, और ऐप्स अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, काफ़ी ऐप्स लॉन्च हुए हैं या फिर काफ़ी स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, आपको उससे क्वेश्चंस आ सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है किसने लॉन्च किया है राज कौशल पोर्टल या ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ राजस्थान। राजस्थान के ये जो आपको चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है, ये पोर्टल लॉन्च किया है राज कौशल पोर्टल ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि जो ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है, जो श्रमिक वर्कर्स हैं उनके लिए किया गया है। और राज कौशल जो पोर्टल है हमारा वो एम करता है इम्प्रूव करने के लिए कि माइग्रेटेड वर्कर्स का अपॉर्चुनिटी किस तरह से बढ़िया से बने और इंडस्ट्रीज और लेबर्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करे, कि डायरेक्ट जो है कोई मिडिल मैन नहीं हो और इंडस्ट्रीज और लेबर आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सके, जिससे आपको लेबर्स को काफ़ी फायदा हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट में किसे चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ कृष्णेंदु मजूमदार। ओके, कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा, जो कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स है, उन्हें अपॉइंट किया गया है और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए है। और ये जो होंगे ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो हैं जिन्होंने 73 ईयर लॉन्ग हिस्ट्री में पहली बार ऐसा है कि 35 साल की उम्र में ही कि आपको कृष्णेंदु मजूमदार को मनाया गया है, जो सबसे यंगेस्ट भी हैं और साथ ही साथ आपको पहले इंडियन ओरिजिन के चेयरपर्सन भी रहेंगे। ओके, सो हु बिकेम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर IIFL फाइनेंस? ये IIFL फाइनेंस जो है ये एक नॉन बैंकिंग कोऑपरेटिव एसोसिएशन है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर, पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, ही इज रोहित शर्मा। ओके, आवर इंडियन क्रिकेटर, आवर ओपनर रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस के तरफ से बनाया गया है, पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि हमारा वाइस कैप्टन भी है। और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है जो लगभग 3,000 करोड़ के एसेट्स रखते हैं। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब एज अ पार्ट ऑफ PM नरेंद्र मोदीज आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये लैब जो है वो किस ऑटोमोबाइल कंपनी की मदद से बनाई गई है? इज इट अशोक लेलैंड, भारत बेंच, फोर्स मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा? तो इसका आंसर आपको है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ भारत बेंच। भारत बेंच के द्वारा आपको एक आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा एक लैब बनाया गया है, ऑटोमोबाइल कंपनी भारत बेंच के द्वारा ये आपको स्पॉन्सर किया गया है। ओके, इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए PDF से। सो नेक्स्ट, अच्छा, इंडिया ने एक फाउंडिंग मेंबर के तरह एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है GPAI, उसमें पी का फुल फॉर्म क्या है? GPAI में पी का फुल फॉर्म क्या है? इस प्रोग्राम पार्टनरशिप प्लान या पर्पस? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको पार्टनरशिप, ये इसका सही आंसर है। ओके, सो इट इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल AI को इम्प्रूव करने के लिए ये एक लीग ऑफ नेशंस जो हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े नेशंस हैं, आपको इसमें ऑस्ट्रेलिया, US, UK, यूरोपियन यूनियन के देश, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड मैनी मोर ओके कंट्रीज, ये लोग जो हैं एक मेंबर के रूप में ऐड किए हैं। और ये जो है इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर के तरह और लॉन्च किया गया है आपको GPAI, दैट इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च कर्मोभूमि? ओके, कर्मोभूमि अ जॉब पोर्टल विच विल हेल्प द IT सेक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स, जो कि अभी अपना कोविड 19 के द्वारा अपना जॉब को
लॉस्ट किए हैं और अपने स्टेट में आए हैं, तो कर्मभूमि जो है वो आपको जैसे बताया कर्मभूमि होता है और बंगाली में उसको बोलते हैं कर्मभूमि, तो इसका आंसर आपको होगा वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, वेस्ट बंगाल के सरकार के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कर्मभूमि, जिसमें आईटी प्रोफेशनल जो भी अपने जॉब को लूज़ किए हैं, उन्हें कोविड-19 के में जो लूज़ किए हैं उन्हें वापस से अपने शहर में ही, अपने स्टेट में ही क्या मिलेगा आपको, जॉब मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है, वहाँ पे एक ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एसेस मशीन लगाया गया जो कि पहला अपने काइंड का है, किस स्टेशन बनाया गया है, महालक्ष्मी स्टेशन, चिंचपोकली, नागपुर स्टेशन या जुनागर स्टेशन। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नागपुर स्टेशन, नागपुर महाराष्ट्र। ओके, नागपुर जो महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे इस तरह का मशीन बनाया गया है, पूरा इन्फॉर्मेशन आप अपना PDF से देख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द एशियन पैरालंपिक कमेटी अनाउंस द 4th एशियन यूथ पारा गेम्स, ठीक है, पैरालंपिक गेम्स जो कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है, उन्होंने ये बताया है कि वो 4th एशियन जो यूथ पारा गेम्स हैं वो किस कंट्री में टेक करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है, बहरेन, ताइवान, मंगोलिया या जापान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ बहरेन, ठीक है, बहरेन में NPC जो नेशनल पैरालंपिक कमेटी है उन्होंने ये बताया है कि 1 से लेकर 10 दिसंबर 2021 में ये 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स खेले जाएंगे। ओके, ये अनाउंसमेंट हुआ है। उसके बाद NSA, अब हम तो NSA क्या होता है, इट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो किस देश के या किसके NSA ने अपना एक बुक लिखा है जिसमें लिखा गया द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड एक काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है, तो वो किसके NSA ने लिखा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉर्मर्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन, ठीक है, जॉन बोल्टन थे जिन्होंने ये एक बुक लिखा है द रूम वेयर इट हैपेंड, जो कि रिलीज़ हो गया आपको तेईस जून को रिलीज़ हुआ है। ओके, सो अभी किर्गिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, किर्गिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कुवातेक बोर्नोव। ओके, कुवातेक बोर्नोव जो 55 साल के थे उन्हें किर्गिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, और किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट जो है सूरोनबाई, ठीक है, उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया है, और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एबिल गेजिव को आपने सक्सीड किया है। ओके, और ये 15 जून को हुआ है ये चीज़, ठीक है, और उनको क्या किया गया था, उनको करप्शन के चार्ज में हटाया गया था या उन्होंने रिज़ाइन किया था अपना पोस्ट, उनको उनका इम्पीचमेंट हुआ था जो कि क्यों किया गया था उसे, करप्शन के चार्ज में उनका इम्पीचमेंट हुआ था। ओके, सो और नहीं क्या कौन बन गया वो, कुवातेक बोर्नोव जो 55 साल के हैं। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लेटर द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है आपको ये एक बॉडी आप जानते हो, UNO का बॉडी है जनरल असेंबली, उसके अलावा UNSCR भी इसका बॉडी होता है, तो आपको इसके बारे में पता है, तो इस अभी जनरल असेंबली के जो हैं वो प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ वोल्कान बोस्किर। ओके, वोल्कान बोस्किर जो 69 नंबर के हैं जो कि तुर्की से आते हैं, ओके, तुर्की से आते हैं, उन्हें 79th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए पोस्ट दिया गया है, ठीक है, और ये पहले तुर्किश हैं, फर्स्ट तुर्किश हैं जो ये पोस्ट को होल्ड करेंगे, और ये अपना पोस्ट होल्ड करेंगे 1 साल के लिए, ठीक है, और वोल्कान बोस्किर जो हैं उन्होंने सक्सीड किया है किन्हें, तिजानी मोहम्मद बेंदे को किया गया है, ठीक है। ओके, और 15 सितंबर से ये अपना चार्ज लेंगे, 15 सितंबर 2020 से, ठीक है, और एक अभी काफ़ी हिट नॉवल या आपको बोला जाए काफ़ी अच्छी नॉवल जो है अ बर्निंग जो है एक नॉवल, उनके राइटर का नाम आपको बताना है, ठीक है, तो अ बर्निंग जो है ये नॉवल आपको लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मेघा मजुमदार के द्वारा लिखा गया है आपको, जो कि पेंगुइन कंपनी जो है उसे इनोग्रेट करेगा, और ये एक बर्निंग है, ये एक डेब्यू नॉवल है मेघा मजुमदार के द्वारा, वो एक 32 वर्षीय न्यूयॉर्क की राइटर हैं जो कि कोलकाता में उनका जन्म हुआ है, अभी न्यूयॉर्क में प्रेजेंट न्यूयॉर्क में है, और उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा है द बर्निंग, ठीक है, तो इसे ज़रूर आप पढ़िएगा, आप नॉवल के शौकीन हैं तो इसे ज़रूर पढ़िएगा आप, बहुत अच्छी नॉवल है। ओके, सो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जून 2019 को एक मीटियोर लाइक ऑब्जेक्ट था लगभग 2.78 की जगह जो कि आसमान से गिरा, और किस इंडियन स्टेट में लगभग 1 फुट का गड्ढा उन्होंने उस मीटियोर ने किया था, तो वो किस स्टेट में गिरा था,
आपको इसका आंसर देना है। तो ये जो आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान में वो गिरा है आपको, राजस्थान का एक संचोर टाउन है जहाँ पे एक जलोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गिरा है, और लगभग 2 किलोमीटर दूर तक इसका एक्सप्लोजन का आवाज़ आई थी। ओके, और इसमें जो है ये जो आपको मीटराइट गिरा है इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज जर्मेनियम प्लेटिनम निकल और आयरन का जो मेजर शेयर है इसमें इस आपको मीटराइट में। ओके, लगभग 2.78 kg का ये मीटराइट था। ओके, सो अभी किनको सेलेक्ट किया गया 2020 का पीस प्राइस, ठीक है, जो कि होता है आपको पीस प्राइस जर्मन बुक ट्रेड, जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा होता है। तो इसे किसने इनॉग्रेट या किसको सेलेक्ट किया गया है 2020 के पीस प्राइस के लिए? तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अमृत कुमार सेन। अमृत कुमार सेन आप उसके बारे में जानते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से एक है और नोबेल प्राइज विनर भी हैं अमृत कुमार सेन, जो कि अभी 86 उम्र के साल में है, जिनको सेलेक्ट किया गया है 2020 का पीस प्राइस के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो होता है आपको जनरल बुक ट्रेड की तरफ से। तो उनको क्यों दिया गया दिया जा रहा है ये अवार्ड? क्योंकि उन्होंने एक डिकेड से, बहुत बड़े डिकेड से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है ग्लोबल जस्टिस के इशू पे, तो उन्हें ये अवार्ड मिल रहा है आपको 2020 का पीस प्राइस। सो क्यों ने इनॉग्रेट किया है वर्चुअल इंडियन पवेलियन कैंस फिल्म फेस्टिवल 2020 में, ये किसने इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया है आपको प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, प्रकाश जावड़ेकर ने इन्हें किया है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के प्रकाश जावड़ेकर। तो ये फेस्टिवल जो है लगभग 22 से 26 जून तक चला आपको, और इसका वर्चुअल एडिशन जो हुआ आपको वो इनॉग्रेट किया गया था प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम से किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलाबोरेशन किया है, जिसमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसमें डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, कार्बन का कम से कम मात्रा का यूज़ किया जाएगा, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये आपको है नीति आयोग। ओके, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, आप देख सकते हो नीति आयोग के साथ ITF जो कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है उन्हें साथ में मिल करके एक डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि 24 जून को लॉन्च हुआ है आपको। और ये प्रोजेक्ट में जो थे आपको ITF सेक्रेटरी जनरल योंग टाई किम और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, ये सब जो हैं आपको इसमें पार्ट लिए थे। ओके, इनके द्वारा किया गया था। सो नेक्स्ट इज हु वॉन द कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट इलेक्शन इन सर्बिया, सर्बिया का कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट्री इलेक्शन किसने जीता था? तो इसका आंसर क्या होगा आपको, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज एलेक्सेंडर वुविक। ओके, सर्बिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं आप एलेक्सेंडर वुविक, जिन्होंने कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता। और ये कहाँ के हैं, ये आपको सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं, जो लगभग 190 सीट के अराउंड जीते हैं, 60% ऑफ वोट, जो कि 250 सीट था सर्बियन पार्लियामेंट, 190 सीट उनको मिला है। ओके, इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अभी रिड्यूस किया हाई कमीशन स्टाफ, और बोला गया है कि ये एक विद इन एक हफ्ते में किया जाना चाहिए था, तो वो उसमें बात थी जिनकी बात थी। तो कितने परसेंट से ये कम करने की बात की गई है, तो कितने परसेंट से कम, वो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 50%। ओके, 50% से दोनों तरफ का, पाकिस्तान एम्बेसी में भी और हमारे इंडियन हाई कमीशन में भी, दोनों तरफ से क्या किया गया है, 50% स्टाफ की कमी की गई है। तो अब ये क्यों हुआ था, ये आपको पाकिस्तान ने एक इंडियन हमारे एम्बेसी के आदमी को जेल भेज दिया था चार्ज में, ये हमारे देशद्रोह के चार्ज में वो भेज दिया था, उन्हें जेल भेज दिया था, इसलिए इसके रिट्रेड इसके आज में आपको क्या किया गया है, आपको 50% का जो आपको स्टाफ है उसे कम कर दिया गया। ओके, सो अब आपको पता है कि कुछ कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अपना BDO नेविगेशन सेटेलाइट, जो कि एक राइवल होगा GPS सिस्टम का, जो कि आपको USA का है, ठीक है, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का BDO नाम का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। और किस कंट्री ने लिए लॉन्च किया था, आपको पता है US का भी जो ट्रेड वॉर चल रही है, और ट्रेड वॉर में सबसे बड़ा जो आपको विलन है या राइवल है उसे बोला जाए आपको चाइना, तो इसका आंसर चाइना है। उनके द्वारा BDO नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं BDS, ओके, तो ये लॉन्च किया गया है GPS का राइवल जो रहेगा, और ये लॉन्च किया गया है सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, सिचुआन
प्रोविंस से हुआ है ये लॉन्च, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, सो पूर्णिमा जहाँ ने एक लाइसेंस कोच जो थी उनको कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई है, ठीक है, वो मात्र 42 ईयर्स की थी, पुणे महाराष्ट्र में उनका मौत हुआ है। तो वो अब बताएं आपको कि पूर्णिमा जनाने जो हैं वो किस स्पोर्ट की लाइसेंस्ड कोच थी। ओके, तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शूटिंग। शूटिंग की वो काफ़ी एयर जो वो जो है वो फॉर्मर आपको एयर राइफल शूटर थी पूर्णिमा जनाने, जिनका अभी डेथ हो गया है 42 साल की उम्र में कैंसर की वजह से, ठीक है, और ये जो है नानेद महाराष्ट्र की हैं। ओके, सो अभी एक इंस्टीट्यूट ने एक चिप लॉन्च किया है जिसका नाम है ध्रुवा, जो कि आपको स्मार्टफोन्स या नेविगेशन डिवाइस में आपको माउंट किया जाएगा, जिससे आपको बहुत सारे प्लेसेस और रूट्स के बारे में जानकारी मिलेगी आपके कंट्री के विद द कंट्री। ओके, एंड दैट इज़ आईआईटी बॉम्बे। ओके, आईआईटी बॉम्बे ने अभी एक चिप लॉन्च किया, इसका नाम रखा है आपको ध्रुवा, जिसका फुल फॉर्म, ठीक है, और वो जो है किसके द्वारा किया गया है आपको, राजेश जेले के द्वारा, राजेश जेले जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। ओके, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा ये चिप बनाया गया है ध्रुवा, जो कि आपको नेविगेशन डिवाइस के लिए काफ़ी मदद करेगा, जो आपको कंट्रीज़ के लिए, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा बॉर्डर्स को, आपको मैच करेगा डिजास्टर रिस्पॉन्स को, आपको टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा और आपको नेविगेशन में काफ़ी मदद करेगा। ये था आपको ध्रुवा। ओके, और ये राजेश जिले, एक नाम याद रखिएगा, राजेश जिले जो है, जो कि आपको आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने, उनकी टीम ने इसे बनाया है ध्रुवा को। ओके, सो अगला है आपको इंदिरा रसोई योजना, नो वन स्लीप्स हंगरी, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना में क्या है, आपको एक थीम निकाला गया है, एक रेजोल्यूशन लिया गया है कि कोई भी आदमी जो है आपको हंगरी या भूखा नहीं सोएगा। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट का आपको इनिशिएटिव है, तो ये आपका इनिशिएटिव है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ये अनाउंस किया था 24 जून को कि ये लॉन्च हुआ है इंदिरा रसोई योजना, जिसका रेजोल्यूशन है कि कोई भी आदमी हंगरी ना सोए। और ये लगभग इस स्कीम में लगभग जितने भी स्टेट में जो भी गरीब इंसान है उन्हें आपको न्यूट्रिशियस फूड को सप्लाई की जाएगी, और इसमें लगभग 100 करोड़ की स्पेंडिंग बताई गई है जो कि हर साल होगा। ओके, सो अब एक इंटरनेशनल न्यूज़ पे आते हैं हम लोग कुछ, दैट इज़ UNHRC जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, आपको पता है म्यांमार में एक रोहिंग्या मामला होता है, रोहिंग्या मुस्लिम के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको व्यवहार आपको सही नहीं होती है, उनको देश से बाहर निकालने की बात होती है। तो UNHRC ने एक स्टेप उठाया है, ठीक है, एक स्टेप उठाया है जिसमें जो कि 23 जून को स्टेप उठाया है, उन्होंने बोला है कि म्यांमार को कि आप जो है मीडिया या डिप्लोमेटिक कॉर्प्स को ले करके और इसको उनको अच्छे तरीके से उनका सेफ और वॉलंटरी रिटर्न कराइए रोहिंग्या मुस्लिम्स का कंट्री में, और जो भी आपने कंट्री में इंटरनेट बैन किया है, इंटरनेट शटडाउन किया है रेखिन स्टेट में, उसे आपको लिफ्ट करना है। ओके, तो ये एक बहुत ही बोल्ड और एक अच्छा स्टेप है UNHRC के द्वारा, जो कि सेफगार्ड करता है रोहिंग्या मुस्लिम। तो हु इनॉग्रेटेड 2 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, जिसका नाम है देवीकी और पुनेजा, उधमपुर और डोडा डिस्ट्रिक्ट में है रिस्पेक्टिवली, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये किसने लॉन्च किया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये इनॉग्रेट किसने किया है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज जितेंद्र सिंह। ओके, UN मिनिस्टर फॉर ट्रेड जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज में है आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्हें 2 अभी इम्पोर्टेंट ब्रिज को जो कि देविका और पुनेजा नंबर ब्रिज है उन्हें आपको इनोग्रेट किया है। और ये ब्रिज जो है आपको फर्दर में डेवलपमेंट उस एरिया के, तो जम्मू एंड कश्मीर का जब आर्टिकल 370 हटा था उसके बाद आपको, उससे पहले तक आपको डेवलपमेंट जो है काफ़ी स्लो था या काफ़ी लो था, ठीक है, तो उसके बाद से आपको डेवलपमेंट जो है यहाँ पे, इस ब्रिज जब बन जाएगा या ब्रिज जब इनोग्रेट हो गया तो इससे एक नया एरा आएगा आपको डेवलपमेंट का इस रीजन में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक 100 डे एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो कि इन्हेंस करेगा आपको क्या लाइवलीहुड और सिक्योरिटी टू अर्बन पुअर पीपल। ओके, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी, दैट इज झारखंड, ठीक है। झारखंड ने एक 100 डे का एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ठीक है, जो कि आपको ये स्कीम आता है आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा के द्वारा, ठीक है, आता है आपको। तो अभी आपको चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसे अपॉइंट किया गया है, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसे अपॉइंट किया है, तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संजय कुमार। ओके, संजय कुमार को आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, और ये जो चार्ज लेंगे अपना 1 जुलाई से चार्ज लिए इन्होंने, और ये सक्सीड करेंगे अजय मेहता को,
जो रिटायर हो गए आपको 30 जून को अजय मेहता को अब बना दिया गया है क्या प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर जो कि अभी हैं उद्धव ठाकरे वहाँ के, और वो भी अपना पोजीशन कब से लेंगे, जुलाई 1 से लेंगे। ओके सो अभी आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम जो है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये डेवलप क्या करता है, ये आदर्श जो पुलिस स्टेशन स्कीम है वो आपको ये इंश्योर करता है, ये डेवलपमेंट करता है आपको पुलिस स्टेशन में कि स्टेट जो है वो एक आइडियल पुलिस स्टेशन के रूप में काम करे, तो ये इसका मेन पर्पस है, ये इसका मेन काम है। ओके सो अब पंजाब का फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है, 26 जून को जो बनाया गया आपको पहला पंजाब का पहला वुमेन चीफ सेक्रेटरी, तो वो बनाया गया आपको ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ विनी महाजन। विनी महाजन जो हमारे आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है पंजाब, ठीक है, तो उन्होंने उन्हें बनाया गया है आपको वहाँ का चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर, वो रिप्लेस करेगी कर्ण अवतार सिंह को और वो पहले वुमेन सेक्रेटरी बनेगी पंजाब की। सो उसके बाद कुछ न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने लियो बार्ड को हटा करके, और ये जो है आपको 4 मंथ से आपको इलेक्शन जो था वो मेजोरिटी नहीं मिली थी इलेक्शंस में, तो वो अब क्लियर विनर बन के आ गए हैं माइकल मार्टिन। सो नेक्स्ट इज मलावी के जो ऑपोजिशन लीडर थे लेजारूस, ओके उन्होंने वो जीत चुके हैं किससे आपको जो उस समय के अभी प्रेजेंट जो प्राइम प्रेसिडेंट थे पीटर मुटाडिका उनको हरा करके ये जीत चुके हैं आपको मलावी का इलेक्शन। सो अगला जो है आपको इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में की सेक्रेटरी जो है सरदेव यादव, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो अर्जुन अवार्ड मिलने वाला था संजीता चानू को जो कि डोपिंग चार्ज में अब वो फ्री हो चुकी है, तो अब उन्हें क्या मिलेगा, अर्जुन अवार्ड मिलेगा 2018 का अर्जुन अवार्ड मिलेगा। ओके और लास्ट हमारा क्या है कि ग्रैंड मास्टर जो पी हरिकृष्णा थे उन्होंने अपना डेब्यू किया है मैग्नस कार्लसन, आप जानते हो मैग्नस कार्लसन के बारे में जो टॉप नंबर 1 प्लेयर हैं चेस के, और वो पहले इंडियन हैं जो इस टूर में आपको शामिल हुए हैं। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब जो पी हरिकृष्णा जो हैं अब वो किकआउट हो चुके हैं या फिर हार चुके हैं आपको, और वो बाहर हो चुके हैं मैग्नस कार्लसन टूर से। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब करिए आप चैनल को जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके जो मेरा नेक्स्ट वीडियोस आएगी और वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। पीडीएफ लिंक मैंने आपको बता दिया जैसे कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ लिंक जाके डाउनलोड कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।